तेज प्रताप जो मंत्री हैं बिहार सरकार, उनका कहना है कि बाबा को पटना एयरपोर्ट के बाहर निकलने नहीं देंगे। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अगर सरकार में ताकत है तो बाबा को रोक कर देख लो। नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू वो कह रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति बाबाओं के सहारे ही चल रही है। विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बिहार ना लालू की जमींदारी में है और ना ही नीतीश कुमार के। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर वो कहते हैं कि बाबा बागेश्वर धर्म के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। स्वर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा बोले कि सनातन की रक्षा करने वाले बाबा की हम रक्षा करेंगे। क्षत्रिय संगठन के कल्लू सिंह ने कहा कि बाबा का विरोध करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र राम ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बता दिया। बाबा बागेश्वर के प्रोग्राम पर तेज प्रताप की सेना और स्वर्ण सेना आमने सामने आ रही है। तेज प्रताप की DSS की फौज का निपटने का ऐलान हो चुका है। जवाब में स्वर्ण सेना ने मार्च निकाला। विरोध के बीच पटना में बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा की तैयारी चल रही है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए पटना में समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोग दिन रात इंतजाम देख रहे हैं। 12 मई को कलश यात्रा में 7,500 महिला शामिल। 13 से 17 मई तक पटना में लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। विरोध को देखते हुए पटना में बाबा की सुरक्षा इस बार बहुत तगड़ी होने वाली है। 300 सुरक्षा जवानों के घेरे में रहेंगे बाबा और इनका दरबार।